आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी का चुनाव बेहद रोचक होता चला जा रहा है। बाबूलाल चौधरी के बेटे रामेश्वर चौधरी ने वर्तमान सांसद व भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि वो तो खनन माफिया हैं, उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। जो स्थानीय सांसद हैं खनन वो करवाते हैं, स्थानीय सांसद हैं माफियागिरी वो करते हैं, और जो जो काम वो कर रहे हैं 5 साल में उन्होंने जो काम किया वो आम जनता में ठीक से प्रचारित हो रहा है और आम जनता उस पर रिएक्शन कर रही है। अब लोग चुनाव में 5 साल में रिएक्शन नहीं किया उन्होंने, लेकिन चुनाव के समय जनता जनार्दन, चूँकि जनता को जनार्दन कहा गया, भगवान कहा गया है, और भगवान अपना स्वरूप चुनाव के समय दिखा रहे हैं, और उस स्वरूप का जो असर होगा वो आपको 7 मई को दिखाई देगा। बाबूलाल चौधरी के बेटे रामेश्वर चौधरी ने दो टूक शब्दों में कहा कि फतेहपुर सीकरी की जनता को मोदी और योगी से कोई बैर नहीं है, उन्हें बैर है तो वर्तमान सांसद और भाजपा के वर्तमान प्रत्याशी से, जिसने 5 सालों में उनके सुख दुख में साथ नहीं दिया और अब जनता ने भी उन्हें हटाने का मन बना लिया है। स्पष्ट छवि है कि सांसद के खिलाफ मोदी से कोई नाराजगी नहीं है, योगी जी से कोई नाराजगी नहीं है, भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है, चेहरे का विरोध है। अगर चेहरा बदल दिया होता तो आज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत रहा होता, किसी भी जाति किसी भी बिरादरी किसी भी धर्म का व्यक्ति होता वो निश्चित चुनाव जीत रहा होता। आज परिस्थिति यह है कि तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई जो भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो लड़ते दिखाई दे रहे हैं। सब जितनी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं ये सब अपने अपने नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे टक्कर किसी के साथ नहीं है, मैं अकेला चल रहा हूं, और ये पीछे सोच रहे हैं कि मैं आ जाऊं सेकंड पे, कि मैं आ जाऊं थर्ड सेकंड पे, कि मैं आ जाऊं थर्ड पे, ये आपस की इनकी लड़ाई है, मुझे इससे कोई, मेरी जनता जनार्दन 36 कौम 7ों बिरादरी मुझको वोट दे रही है और हाथों हाथ लेने का काम कर रही है। ये जब परिणाम आएंगे 4 जून को ये आपको दिखाई देगा कि फतेहपुर सीकरी में इतिहास लिखा जा रहा है, निर्दलीय इस बार देश की संसद में फतेहपुर सीकरी का प्रतिनिधित्व करेगा। पत्रकारों से रूबरू होते हुए रामेश्वर चौधरी ने दो टूक शब्दों में कहा कि वर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर ने पिछले 5 सालों में फतेहपुर सीकरी में कोई कार्य नहीं किया है, मोदी और योगी की योजनाओं को लेकर वो आम जनमानस के बीच पहुंच रहे हैं और अपने कार्यों को दिखा रहे हैं, और उन्होंने कुछ कार्य किया है तो 5 साल में वो अपने 5 कार्य जनता के हित के बता दें जो मोदी और योगी सरकार के ना हो। सरकार की योजनाएं होती हैं, उन सरकार की योजनाओं के अलग से बता दें। जिस जैसे केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की फाइल हमारे कार्यकाल में चल रही थी, वो फाइल डंप पड़ी है, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से जगनेर में जाजो स्टेशन से जगनेर के लिए और जगनेर होके फतेहपुर सीकरी तक रेलवे लाइन का सर्वे हो गया, पैसा आवंटन हो गया, उसके बाद वो फाइल आगे नहीं बढ़ी, तो इन सब कामों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, आज तक 5 साल में उन्होंने उनकी फाइल क्यों नहीं निकाली, तो ऐसे काम कोई 5 बता दें। मेरे पिताजी जब सांसद थे 2014 से 2019 के बीच में 100 किलोमीटर प्रति वर्ष से अधिक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों को उन्होंने उच्चीकरण और नवीनीकरण कराने का काम किया। आप कोई पहल करके बताएं तो सही, आप कह रहे हो कि साहब जो विधायक जी ने कराया वो मेरा है, जो सरकार ने कराया वो मेरा है, या जो मोदी ने कराया वो मेरा है। आप किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 5 लाख मोदी से भी बड़ी आपकी जीत हुई, तो मोदी से बड़ी जीत में आपका सीकरी के लिए योगदान क्या है, वो योगदान आप जनता के बीच में जुड़ रही है। आप पब्लिक बाइक के साथ।